हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, जो कि होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर जीरो। और इसके डेरिवेशन के साथ हम एक न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। और ये जो इक्वेशन है, इसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर में क्या है, टू है, तो इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा बहुत रिवीजन ले लेते हैं इसके जस्ट पिछले वीडियो का। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने एसएचएम का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जितना ज्यादा हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करेंगे स्प्रिंग का, उतना ही ज्यादा स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। यानी अगर हमने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, यानी एक्स और एफ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो नेगेटिव साइन हमने लगाया था। और साथ ही साथ हमने बोला था कि ये जो के है उसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर एसएचएम का कांस्टेंट बोलते हैं। और अंत में एक इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि एक्स का पावर जब भी वन होगा तो वो किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे और यहां तक पहुंचेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे इसके जस्ट पिछले वीडियो का जो एंडिंग था, वहां से क्या बोल देंगे हम, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पे x का पावर जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं, जो कि होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढने के लिए, जहां पे एम क्या होगा, एम होगा मास जो ऑब्जेक्ट एसएचएम करता हो, ए क्या होगा वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो हमेशा मीन पोजिशन की ओर होगा, वो भी हम पढ़ चुके हैं इसके जस्ट पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम एम को तो एज इट इज लिखेंगे, ए को हम रिप्लेस करेंगे किस से, डीवी बाय डीटी से। ए को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डीवी बाय डीटी से। डीवी बाय डीटी का मतलब क्या होता है, डीवी बाय डीटी का एक मतलब तो होता है कि हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं। क्यों डिफरेंशिएट करा रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए एसएचएम का। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर ज्यादा रेट से वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन ज्यादा, कम रेट से वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन कम। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है टाइम है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मल्टीप्लाई विथ टाइम तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। यानी कि हम डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह पे। आगे बढ़ लेते हैं, वापस से हम को एज इट इज लिख लिया, डी बाई डी टी लिखा और अब वी की वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं। डी बाई डी टी लिखा और वी की वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं डी एक्स बाई डी टी। वी की जगह क्या लिखा, डी एक्स बाई डी टी। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कितने रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर ज्यादा रेट से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा, कम रेट से डिस्प्लेसमेंट हुआ वेलोसिटी कम। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कराएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। क्यों डिफरेंशिएट कराना है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन देख रहे हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर की साइड क्या है एक्स है जिसका यूनिट आता है मीटर, नीचे की साइड क्या है टाइम है जिसका यूनिट आता है सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका यूनिट हो गया, वेलोसिटी का यूनिट हो गया। यानी कि हम वी की जगह डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जब ऐसा मल्टीप्लीकेशन आता है डिफरेंशिएशन का, तो हमेशा याद रखना ऊपर की साइड जो d है डिफरेंशिएशन है उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, और नीचे की साइड जो वेरिएबल है टाइम वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी डी टी स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ऊपर की साइड डी का स्क्वायर कर देना, नीचे की साइड जो हमारा वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर देना, इसको इक्वेशन टू बोल देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, वन और टू। दोनों ही इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों ही इक्वेशन बराबर है। क्यों, दोनों ही इक्वेशन फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों ही इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये साइड है वो साइड दोनों बराबर होने वाली है, क्योंकि दोनों ही फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा लेंगे, कौन सी साइड कंपेयर कराएंगे, ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड। ये वाली साइड क्या है, यहाँ पे लिखिए एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर कौन सी साइड, माइनस के एक्स वाली साइड।
अब हम क्या करेंगे, ये जो m है उसे ये साइड ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। अब ये जो k बाय m है उसे हम अज्यूम करने वाले हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना k बाय m को क्या अज्यूम कर दिया, ओमेगा स्क्वायर। जहां पे ये जो ओमेगा है उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है इसके जस्ट बाद के वीडियो में हम देखेंगे फेजर डायग्राम से, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखना ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ओमेगा का जो इक्वेशन आता है वो होता है 2 पाई एफ, ठीक है, जहां पे f को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर f क्या होता है 1/t, तो 2π/t यानी ओमेगा के दो इक्वेशन याद रखने हैं हमें, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, जहां पे t होता है टाइम पीरियड। बस अब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरे टर्म को हम ये साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। ये इक्वेशन को हम SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर SHM एक्स डायरेक्शन में होता हो, अगर SHM y डायरेक्शन में होगा तो x की जगह हम y लिख देंगे, तो हो जाएगा y डायरेक्शन का डी स्क्वायर y बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया x का, ये हो गया y का, ये हो गए हमारे आंसर। एग्जाम में ऐसे ही हमें डेरिवेशन करना है टू गेट दी फुल मार्क्स। अब ये इक्वेशन के बेस पे हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा है कि इन ऐसा यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय, यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, SHM कोई पार्टिकल कर रहा है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। इस पे से हमें दो चीज ढूंढनी है, पहला तो टाइम पीरियड टी का वैल्यू ढूंढना है और फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो देके रखा है वो पहले हमने लिख लिया, ये गिवन है तो लिख लिया हमने। बाद में ये पूरा जो टर्म है उसे अगर ये साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लग रहा है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था अगर याद हो तो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करा देंगे। कैसे कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन 1 और 2, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे हाँ ये है बराबर है, ये x की जगह पे ये x है हाँ ये है, 0 की जगह पे 0 है हाँ ये है। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इनडायरेक्टली हमें कितना दिया है, 36, यानी यहाँ पे लिखा है ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है 36। तो ओमेगा अंडरस्कोर 36 आ जाएगा, तो 6 × 6 36 हो जाएगा। तो ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आंसर हमें मिलेगा इतना 6 रेडियन पर सेकंड। ये तो हमें पूछा नहीं है, हमें तो क्या पूछा है, हमें पूछा है टाइम पीरियड। अब ओमेगा पे से टाइम पीरियड क्या हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। कैसे, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, t हो गया टाइम पीरियड, बस। तो ये वाला इक्वेशन लगा दिया हमने, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, टाइम पीरियड चाहिए तो t को सब्जेक्ट बना दिया, 2π/ω हो गया, पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, ओमेगा कितना है 6 है, तो टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा 1.04 सेकंड, यानी एक ऑसिलेशन खत्म करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी 1.04 सेकंड। अब हमें दूसरा क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमें पता है, f इज इक्वल टू 1/t होता है, टाइम पीरियड दिया है रख दो 1.04, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर हमें मिल जाएगा 0.96 हर्ट्ज में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।